ये क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। डिजिटल इंडिया पे बहुत अच्छा काम किया गया है। आप सबों को सर्टिफिकेट लगाना होता है सबसे पहले। नॉर्मल ये लिखना होता है कि CBSE का जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसा काम किया है। फिर एक्नॉलेजमेंट डालना होता है। फिर आप इंडेक्स लगाते हैं। ये इसने अभी इंडेक्स बनाया नहीं, इंडेक्स बनाएगा। फिर इंट्रो डालिए कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। फिर डिजिटल इंडिया वीक बनाया गया था, उसमें क्या प्रोडक्ट थे, क्या पोर्टल ऐप्स थे, क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या पॉलिसीज़ हैं। हाउ डिजिटल इंडिया इज़ गोइंग टू बेनिफिट अ कॉमन मैन। ब्रॉडबैंड होगा, वाईफाई होंगे फ्री वाले, वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे, जॉब क्रिएशन होगा, ई गवर्नेंस आएगा, फिर डिजिटल इंक्लूजन होगा, फिर बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया यहाँ दे रखा है। फिर इसके क्या विज़न है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, गवर्नेंस डालना है, डिजिटल एम्पावरमेंट करना है सिटीजन्स का। फिर इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, कैसे हैं, पर्सनल सिक्योरिटी होना चाहिए, मोबाइल ई बैंकिंग वगैरह उसमें ध्यान रखना है, रेवोल्यूशन लाना है हाई स्पीड नेटवर्क से। डिजिटल इंडिया का क्या विज़न है, USA में क्या है और इंडिया का क्या कंपैरिजन हो सकता है इस रिगार्डिंग है। इसका इम्पैक्ट क्या है, फिर इसके 9 पिलर क्या है। यही सेम चीज़ यहाँ पर आएगा। ब्रॉडबैंड, हाईवेज हैं, पब्लिक इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस, IT फॉर जॉब्स, ई क्रांति, ई गवर्नेंस, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र और मैन्युफैक्चरिंग। अभी भी तो बहुत कुछ हो रहा है, UPI, और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, फिर क्या इंटरप्रिटेशन है, बारह नंबर का प्रोजेक्ट है, 8 नंबर का आपको एनसीएलवी मार्क्स मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे से क्रिएटिव ढंग से ही करके तभी आपको आएगा, नेटिजन बनना है। तो रिकमेंडेशन क्या है इसका, और इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।